मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी मिलावटखोरों में पुलिस प्रशासन का खौफ नजर नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में इंदौर जिले की किशनगंज पुलिस ने मिलावट पेट्रोल पंप का खुलासा कर उसे सील कर दिया, साथ ही मौके से 6 टैंकर भी जब्त किए हैं। इंदौर पश्चिम के पुलिस अधीक्षक महेश चंद्र जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किशनगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर महू रोड स्थित MP बॉम्बे ऑटो पेट्रोल डीजल पर नकली पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर खाली हो रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो टैंकर से पेट्रोल जैसे पदार्थ पंप के अंडरग्राउंड टैंकर में खाली किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं मिले, साथ ही मिलावटी पेट्रोल होने पर पेट्रोल पंप को सील कर मौके से टैंकर को जब्त कर लिया। सैंपल लेकर जाँच शुरू की गई, जिसके बाद शिवम इंडस्ट्रीज सेक्टर पिथमपुर पर दबिश के दौरान मैनेजर चंद्र प्रकाश पांडे को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ में भी अन्य टैंकरों के बारे में पता चला, जिनमें से कुल 5 टैंकरों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। अक्टूबर को थाना प्रभारी किशनगंज को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि MP बॉम्बे ऑटो पेट्रोल डीजल पंप में नकली पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर जिसका नंबर MP09HJ 9027 है खाली हो रहा है। थाना प्रभारी ने सूचना से एडिशनल SP मऊ श्री पुनीत गहलोत को अवगत कराया और मौके पर पहुँचे तो मौके पर पाया गया कि टैंकर क्रमांक HJ 9027 से पेट्रोल जैसा पदार्थ पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक में खाली हो रहा था, जिसके पास किसी भी प्रकार के कोई कागज नहीं थे। उसको चेक करने पर पाया गया कि उसमें 4 कंपार्टमेंट बने हुए थे। प्रथम दृष्टया मिलावटी संदिग्ध पाए जाने से पुलिस के द्वारा अपने स्तर से उसके सैंपल लिए गए। सैंपल साथ साथ खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर तलब कर उनके स्तर से भी सैंपल लिए गए। टैंकर ड्राइवर सुरेश कुशवाहा से लगातार हमारे एडिशनल SP साहब ने पूछताछ की, वो पुलिस को वर्गलाता रहा। बाद में घंटों की पूछताछ के बाद उसने बताया कि मेरे सेठ ने मुझे बोला था कि पीथमपुर में शिवम इंडस्ट्रीज पर पांडे जी मिलेंगे, वहाँ जाना, वो टैंकर भर देंगे। ड्राइवर सुरेश कुशवाहा के बताने से STOP मऊ और पता लगा एक मक्सी का पेट्रोल पंप है, जिसके बारे में पता लगा कि वहाँ भी ये नकली पेट्रोल डीजल जाता है और वहाँ वो उस पेट्रोल पंप में मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वासनगर चौपाटी किशनगंज क्षेत्र में भी एक पेट्रोल पंप है जिसमें कि ये लोग इस नकली पेट्रोल डीजल को मिलाते हैं। पांडे ने जिन जिन टैंकरों के नंबर बताए जो नकली पेट्रोल डीजल ले जाते हैं, ऐसे 5 टैंकरों को पुलिस ने अभी तक जब्त किया है। प्रथम दृष्टया नकली डीजल पेट्रोल को असली डीजल पेट्रोल में मिलावट करते हुए पाए जाने पर पेट्रोल पंप मालिक विजय कुमार मुंदड़ा
ड्राइवर चंद्र प्रकाश पांडे तथा राकेश अग्रवाल के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड विधान 120 बी तथा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण कायम किया गया है। एक बहुत बड़े स्तर पर इस प्रकार से नकली डीजल पेट्रोल तैयार कर इंदौर तथा आसपास के पेट्रोल पंपों में बेचा जा रहा था, जिससे ना केवल प्रदूषण, वाहन के इंजन की खराबी के साथ साथ शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा था। जैसा कि आज की स्थिति में पेट्रोल पर लगभग 33% GST वैट, 4.5 रुपये अन्य अधिभार और 1 रुपया एक अन्य अधिभार है, इस प्रकार लगभग 38.5 रुपये के करीब प्रति लीटर बचता है। चूँकि ये सारा का सारा नकली डीजल और पेट्रोल दो नंबर में पेट्रोल पंपों पर पहुंचता था और दो नंबर में थाना प्रभारी किशनगंज श्री शशिकांत चौरसिया की टीम को पीथमपुर की शिवम इंडस्ट्रीज में भेजा गया, जहां पर मौके पर बाई चांस पांडे जी मिले, जिनसे उनका नाम पता पूछते उन्होंने अपना नाम चंद्र प्रकाश पांडे बताया। शिवम इंडस्ट्रीज की तलाशी लेने पर उस इंडस्ट्रीज में अंडरग्राउंड कई सारे टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स मिले। पांडे जी से शिवम इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा करने पर ये बताया कि शिवम इंडस्ट्रीज जिसका मालिक राकेश अग्रवाल है, वो लगभग 3-4 साल से उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। इंडस्ट्री में 3 प्रोडक्ट मूलतः बनते हैं, एक शिवा फ्यूल ऑयल जिसको SFO बोलते हैं, दूसरा लो फ्लैश ऑयल LFO, तीसरा मिक्स्ड C9। SFO मूलतः बॉयलर में आग जलाने के काम आता है, LFO आग की फ्लैश को कम करता है, और मिक्स सी नाइन कीटनाशक दवाओं में मिलाया जाता है। मूलतः शिवम इंडस्ट्रीज एक लाइसेंसी इंडस्ट्रीज है जो इन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाती है। यह इन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने में कच्चा माल मुंबई तथा हजीरा तरफ से मंगाते हैं। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।